झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने टाना भगत के विकास को लेकर कई घोषणाएं की हैं। रांची के विकास भारती परिसर में आयोजित भगत गांधी विचार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले टाना भगत के विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में टाना भगत वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पीएल पुनिया दो दिवसीय दौरे पर आज बिहार आ रहे हैं। डॉक्टर पुनिया पटना पहुंचने के बाद नवादा जिले के कझिया गांव जाएंगे, जहां वे 8 मार्च को अनुसूचित जाति के 125 घरों में घटित घटनाओं की जांच करेंगे। डॉक्टर पुनिया पीड़ित परिवारों से आगलगी की घटना की जानकारी लेंगे, साथ ही जिला प्रशासन की ओर से अब तक हुई कार्रवाई की भी जानकारी लेंगे। कोल्हान रेंज के वन क्षेत्र पदाधिकारी सिद्धेश्वर सिंह की बीती रात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली उनके चेहरे पर मारी गई, जो उनकी बाईं आंख को भेदती हुई पार हो गई। माना जा रहा है कि अपराधियों ने पहले रेंजर के आवास पर लूटपाट की और फिर छीना झपटी के दौरान गोली मार दी। जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल के पहले तल्ले पर स्थित लैब में आग लग गई। देखते ही देखते पूरे अस्पताल में धुआं भर गया। हालांकि समय रहते मरीजों को सुरक्षित बिल्डिंग से निकाल लिया गया, जिसके कारण बड़ी अनहोनी टल गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के वजह से आग लगी थी। खगड़िया में पुलिस ने 4 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। पुलिस को गंगौर थाने के बभनगावा इटवा दियारा में अफीम की खेती की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारा और अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। हालांकि इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बताया जाता है कि मानसी गांव के किसी शख्स ने महेंद्र साव नामक किसान के जमीन लीज पर ले रखी थी और उस जमीन पर अफीम की खेती करा रहा था। सिमडेगा जिला के महाबुआंग के एक आदिवासी परिवार ने थाना भवन बनवाने के लिए अपनी 1 एकड़ जमीन दान दी है। किसान बसंत कुल्लू ने अपनी पुश्तैनी जमीन की रजिस्ट्री राज्यपाल के नाम की है। जमीन की रजिस्ट्री करने के बाद किसान बसंत कुल्लू के परिवार ने जश्न मनाया। सिमडेगा पुलिस ने बसंत कुल्लू और उनके परिवार को सम्मानित किया। पहले ग्रामीणों ने महाबुआंग में थाना भवन बनाए जाने का विरोध किया था। देवघर में बाबा वैद्यनाथ महोत्सव की शुरुआत हो गई है। कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड के श्रम मंत्री राजपालीवार ने किया और श्रावणी मेला को राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिए जाने की वकालत की। वहीं उद्घाटन के मौके पर मशहूर पार्श्व गायक सुरेश वाडेकर ने अपने भक्ति गीतों से सबका मन मोह लिया।